हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज किस वीडियो में बात करेंगे हम लोग कि जोसा के रिपोर्टिंग सेंटर कौन कौन से IITs, NITs, IIITs और GFTIs में। तो आप देख सकते हो मेरे पास पूरी लिस्ट है, मैं पूरी लिस्ट बताने वाला हूँ आप लोगों को। तो इस वीडियो को देखते रहना एंड तक, और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना, शेयर करना, और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन के बटन को प्रेस करो। सो डेवलप अ पैशन फॉर लर्निंग। सबसे पहले आपको एक बात क्लियर कर दूं, मैं रिपोर्टिंग सेंटर पे आपको जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए। IITs के अलग हैं, NITs, IIITs और GFTIs के लिए अलग हैं। तो आप देख सकते हो IITs की पहले बात कर लें तो हम लोग भिलाई, बनारस, भुवनेश्वर, बॉम्बे, दिल्ली, गांधीनगर, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, धनबाद, जम्मू, जोधपुर, कानपुर, कर्नाटक, खड़गपुर, मद्रास, मंडी, पलक, पटना, रुड़की, रोपर, तिरुपति। तो आप इन सभी जगह में से किसी भी जगह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एडमिशन कंफर्म के लिए आपको उस IIT में जाना होगा जहां आपकी सीट अलॉट हुए। तो पहले आपको वेरिफिकेशन करवानी है, उसके बाद दो तीन चार दिन में आपको एडमिशन कंफर्म के लिए उस IIT में जानी होगी। तो ये सिर्फ IIT की थी। अब बात करते हैं NIT, IIIT और GFTIs के लिए। सेंटर NITs के आप देख सकते हो जलंधर, जयपुर, भोपाल, इलाहाबाद, अगरतला, आंध्र प्रदेश, कालीकट, दिल्ली, दुर्गापुर, गोवा, हमीरपुर, कर्नाटक और मेघालय। तो इन सभी जगह में से कोई भी जगह जाके आप काउंसलिंग करवा सकते हो जो आपके नज़दीक में। और मैं नाम बताने वाला हूँ, टोटल 31 NITs हैं। कुछ बच्चों को डाउट है कि काउंसलिंग वेरिफिकेशन के लिए हम कहाँ जाएंगे, जहाँ अलॉट हुआ है वहाँ जाएंगे या जो आपके नज़दीक में NIT है उसमें जाएंगे। तो जो आपके नज़दीक है वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा ले। एडमिशन कंफर्म करवाने के लिए आपको उस NIT में जाना होगा जहाँ आपका सीट अलॉट हुआ है। तो पहले तो आप वेरिफिकेशन करवाएं, उसके बाद आप सीट अलॉट कंफर्म मतलब एडमिशन कंफर्म के लिए उस NIT। नेक्स्ट आप देख सकते हो नागालैंड, पटना, पौंडीचेरी, रायपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जमशेदपुर, कुरुक्षेत्र, मणिपुर, मिजोरम, राउरकेला, सिलचर, श्रीनगर, त्रिचिपल्ली, उत्तराखंड, वारंगल, सूरत, नागपुर। तो इन सभी जगह में से किसी भी जगह जा सकते हो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। IIIT, तो आप IIIT में भी जा सकते हो। देख सकते हो सारे नाम्स है, और कुछ नाम है मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो देख सकते हो कुछ और नाम है, इनके सारे डिटेल्स आ गए हैं। जो भी आपके नज़दीक में IIIT है उसमें आप जा सकते हो। देख सकते हो तीन और IIIT है, उसके बाद IIST सिपुर है, उसके बाद GFTIs के कुछ कॉलेज है। तो यहाँ भी आप जा सकते हो काउंसलिंग के लिए, जो आपके नज़दीक में वहाँ आप जाके काउंसलिंग करवा सकते हो। दोस्तों कुछ इस प्रकार 17 हैं, टोटल 27 है। तो आपको इसमें जिसमें भी जाना है आप वहाँ से जा सकते हो। मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। तो कुछ इस प्रकार है, आप जिसमें भी आपकी सीट अलॉट हुए तो आप काउंसलिंग के लिए किसी में भी जा सकते हो जो आपके नज़दीक में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। एक बार फिर से बता दूं, एडमिशन कंफर्म के लिए आपको उस NIT, IIIT या GFTIs में जाना होगा जहां आपका सीट अलॉट हुआ है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप इसमें से किसी में भी जा सकते हो और इजिली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हो। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों जरूर लाइक करना, शेयर करना, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोज आने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।